आपको मऊ से, जहां दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई है स्याही। तो बड़ी खबर है, चुनाव प्रचार के दौरान दारा सिंह पर हमला किया गया। घोसी सीट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं दारा सिंह। बीजेपी ने दारा सिंह को बनाया प्रत्याशी। पहले आपको बता दें, सपा के विधायक थे लेकिन उन पर स्याही फेंकने का मामला सामने आया। देखिए, ये देखिए तस्वीरें। स्वागत किया जा रहा था, माला पहनाई जा रही थी, तभी उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई। और देखिए, वहां पर गनर भी साथ में मौजूद था, लेकिन जब तक कुछ समझ पाते गनर भाग कर जाता है। और ये तस्वीरें दारा सिंह चौहान का वेलकम किया जा रहा, क्योंकि वो प्रचार में लगे हुए हैं। भूसी से उनकी आंखों पर स्याही पड़ी, उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई। पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे, पिछली बार 2022 में जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, किसने स्याही फेंकी, इस बारे में अभी तक कुछ पता चल पाया? देखिए, बिल्कुल, जेपी घोसी का उपचुनाव हो रहा है, जहां पर सराय लखनसी जो थाना क्षेत्र है अदरी गांव, वहां पर दारा सिंह चौहान प्रचार के लिए पहुंचे थे, तभी कुछ लोग उनको माल्यार्पण कर रहे थे और अचानक उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। हालांकि पुलिस जो गनर था वो दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। खबर ये भी है कि इस पूरे मामले में जो प्राथमिकी है वो भी दर्ज की जाएगी, क्योंकि उपचुनाव हो रहा है। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर आए हैं, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने वहां कमाल संभाल रखी और 2022 में सपा के टिकट से लड़े थे, अब वो बीजेपी के टिकट से लड़े हैं। लेकिन आज वो घोसी में उपचुनाव के दौरान जब वो सराय लखनसी क्षेत्र में पहुंचे थे अदरी गांव में प्रचार करने के लिए, वहां उनका स्वागत समारोह रखा गया था। जैसे ही गाड़ी उतरे, उनका माल्यार्पण हो रहा था, उसी बीच दो लोग पहुंचे और अचानक उनके ऊपर स्याही फेंक दी और स्याही फेंककर भागने लगे। हालांकि गनर ने दौड़ाया, उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान में लिया है। कहा भी जा रहा कि थोड़ी देर में तहरीर दी जाएगी, इसमें प्राथमिकी दर्ज की पुलिस मामले की जांच करेगी। लेकिन क्या इसे माना जाए, जिस तरह उन्होंने पाला बदला, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, अब बीजेपी में शामिल हो गए, अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं उसका विरोध भी हो सकता है ये? देखिए, बिल्कुल, कई बार इस बात का विरोध होता है कि आप समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने आपको जिताया, आपको भारी मतों से जिताया, आप मधुबन सीट छोड़कर घोसी से आके आपने चुनाव लड़ा। इसके पहले जब बीजेपी से विधायक थे तो मधुबन से थे, इस बार समाजवादी पार्टी में वो घोसी से आकर लड़े और फिर चुनाव जिताया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी कार्यकर्ताओं में होती। और कई बार ऐसा आपको देखा गया, देखा होगा आपने, संजय सिंह जब आम आदमी पार्टी के आए तो रायबरेली में उन पर स्याही फेंक दी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं विरोध करने का एक नया तरीका इजाद किया गया है, जो कार्यकर्ता है या जो दूसरी पार्टी के लोग हैं। आज दारा सिंह चौहान के साथ भी वही हुआ और ये कहीं ना कहीं बातें साफ हो जाती है कि दारा सिंह चौहान का विरोध हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में से इस्तीफा दिए, तो जो सपा के वर्कर हैं वो नाराज हैं और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के ही वर्करों की तरफ से ये स्याही फेंककर विरोध किया गया है। अब उसकी जांच करेगी पुलिस, इसमें बाकायदा पूछताछ करेगी, मुकदमा पंजीत किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यही कि जैसे ही अदरी गांव के पास वो पहुंचे, थाना सराय लखनसी, उनके ऊपर जो है स्याही फेंकी गई और स्याही फेंकने में दो तीन लोग शामिल थे, फेंक कर वो भाग गए वहां से। पुलिस ने उनको पकड़ने की जो गनर था कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पाया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जेपी,